गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हम आए हैं शिल्पारामम पार्क जो की लोकेटेड है हाईटेक सिटी पर। तो चलिए लेते हैं टिकट और चलते हैं अंदर और देखते हैं हम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ का टिकट रहेगा 60 रुपीज पर हेड और बच्चा पार्टी का 20 रुपीज। और यहाँ के टाइमिंग्स की बात करें तो यहाँ के टाइमिंग्स रहेंगे 10 AM टू 8 PM। और पार्किंग की बात करें तो यहाँ के पार्किंग चार्जेस रहेंगे 2 व्हीलर्स 20 रुपीज और 4 व्हीलर 40 रुपीज। और जहाँ तक हमने सुना है यहाँ पर वीकेंड पे बहुत ज्यादा क्राउड रहता है। आज वीकेंड भी नहीं है और अभी टाइम हो रहा है 3:30 PM। और जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है यहाँ पर आपको विलेज कल्चर देखने को मिलेगा और ये प्लेस शॉपिंग के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। और यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा शॉप्स देखने को मिलेंगे। और ये रियल पर्ल्स, पता नहीं क्यों मुझे रियल पर्ल्स नहीं दिखे। और फिर हमारी नजर पड़ी ये वाले बैग शॉप पर और यहाँ के बैग्स बहुत अच्छे थे और यहाँ का स्टार्टिंग प्राइस है 350 से। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। और फिर हमारी नजर पड़ी घाघरा चोली पे और यहाँ का स्टार्टिंग प्राइस रहेगा 650 से। डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट साइज। और फिर हमें यहाँ पर एक और रियल पर्ल्स की शॉप दिखी और मुझे यहाँ पर एक बैंगल बहुत ज्यादा पसंद आया था और भैया ने उसका प्राइस बताया 950। और एक्चुअली अगर मैं चारमीनार से लूँ तो वही बैंगल मुझे 550 का मिलेगा। तो लाइट था मसला, हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर प्राइस था ये वाली शॉप पर भी। और फिर मेरी नजर पड़ी जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है जूतीज पर, और ये जूतीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और रीजनेबल प्राइस था यहाँ का। और यहाँ पर मैंने 3 जोड़ी जूती लिया है और बहुत अच्छा कलेक्शन है। मुझे यहाँ का कलेक्शन देख के कहीं ना कहीं जयपुर की याद आ गई। और अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो यहाँ से जूती लेना ना भूले, क्योंकि यहाँ का कलेक्शन बहुत अच्छा है। और ये वाले बैग्स जो कि मेरे पास ऑलरेडी है पर मेरी फ्रेंड के पास नहीं थे तो उसने बाय किया है और स्टार्टिंग प्राइस 250 का है। आप हाँ यहाँ पर बार्गिंग भी कर सकते हो। और ये रहा बनारसी सूट शॉप, आप जो भी कलर का सूट लोगे वैसे ही आपको हैंडबैग भी प्रोवाइड करेंगे ये लोग। और फिर हम आगे बढ़े और यहाँ पर हमें दिखा एक पॉपकॉर्न शॉप और वहीं पर आपको एक वाटर बॉटल भी मिलेगा। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वो ये कुछ नहीं मिलता है अंदर। और फिर हमारी नजर पड़ी ये वाली ज्वेलरी शॉप पर जो कि बहुत अच्छे सेट्स थे यहाँ के, और ये सेट्स का स्टार्टिंग प्राइस रहेगा 350 से। और ये वाले बैंगल्स आपको स्टार्टिंग प्राइस रहेगा यहाँ पर 250 से। पर अगर यही बैंगल्स आप चारमीनार से लेने जाओ तो वहाँ पर आपको 100 रुपीज़ में मिलेगा। पर ठीक है, आप अगर यहाँ पर ले रहे हो तो 250 रीजनेबल प्राइस ही दिखा मुझे। और फिर हम ये वाली शॉप पर आए और यहाँ पर हमें झुमके बहुत ज़्यादा पसंद आए। मैंने भी लिया है और मेरी फ्रेंड ने भी लिया है, बहुत अच्छे झुमके। और उसका प्राइस था 350।
एक्चुअली भैया ने 550 बोला था, पर हमने उतनी ज़्यादा बार्गेन की और 350 में लिया। यहाँ पर आपको बार्गेन करना बहुत ज़रूरी है। और ये सारे सेट्स आपको मिलेंगे 250 रुपीज़ में। वैसे तो मेरा बहुत दिल था कि मैं यहाँ से एक दो ले लूँ, पर मेरे पास ऑलरेडी बहुत है जो कि हमने दिल्ली और जयपुर से लिया था, और मेरी फ्रेंड के पास भी है तो हमने वो नहीं लिया। और ये वाले कुर्तीज़ जो कि एग्जिबिशन ब्लॉग में भी आपने देखा होगा कि हमने सेम कुर्तीज़ लिया था, और यहाँ पर भी हमें सेम कुर्तीज़ देखने को मिले और सेम प्राइस के थे यहाँ पर भी। और ये कश्मीरी शॉल्स के स्टार्टिंग प्राइस रहेगा 700 से। और फिर हमारी नज़र पड़ी ये वाली शॉप पर, और यहाँ से हमें लेना था टेबल क्लॉथ, और अंकल ने बहुत अच्छे अच्छे कलर्स बताए हैं यहाँ पर, और अंकल ने बहुत सारे कलर्स बताए और हमने दो कलर्स फाइनल किए हैं, और हमने यहाँ से दो टेबल क्लॉथ लिया है और उसका प्राइस रहेगा 350 रुपीस। और फिर हमारी नजर पड़ी रियल मार्बल पर, जो कि स्टार्टिंग प्राइस ही यहाँ का 550 से है, और यहाँ पर आपको दोनों साइड्स भी बहुत अच्छे शॉप्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको होम डेकोर के लिए भी बहुत अच्छे आइटम्स देखने को मिल सकते हैं। और मिरर दिखे और मैं अपने आप को ना देखूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, और यहाँ के मिरर्स बहुत अच्छे थे। और फिर हम आगे डेकोर और मैट्स के सेक्शन में, जो कि बहुत अच्छे डिज़ाइंस थे यहाँ के मैट्स के, और ये डेकोर के तो बहुत अच्छे आइटम्स थे यहाँ पर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ओवर कॉस्ट दिखा ये आइटम्स का, अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ नामपल्ली एग्जिबिशन से। और जहाँ तक हमने रिसर्च किया है, ये पूरा 65 एकर्स पर बना हुआ है, और जैसा कि हमारे पास टाइम कम है, हमें बिफोर 7 o'clock यहाँ से निकलना है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी एक्सप्लोर कर रहे हैं हम यहाँ पर। और मोस्टली यहाँ पर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट के बहुत ज्यादा शॉप्स देखने को मिलेंगे। और फिर हमें यहाँ पर एक और पॉपकॉर्न शॉप दिखी, उसके साथ आपको यहाँ पर सिर्फ पानी मिलेगा, और आप आपकी पेंटिंग भी करवा सकते हैं और बाय हैंड स्केच भी करवा सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट का प्राइस रहेगा 350 और कलर का रहेगा 650। और अभी टाइम हो रहा है 4:30, और यहाँ पर हमें आके क्राउड देखने को मिल रहा है, और ये इतना ज़्यादा बड़ा है, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉपकॉर्न के अलावा कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा।
अगर आप लोग हैदराबाद से हो या फिर हैदराबाद को विजिट करने वाले हो तो आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हो। यहाँ का टिकट बहुत रीजनेबल है और बहुत कुछ है यहाँ पर एक्सप्लोर करने को, और फोटो शूट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर फोटोज बहुत अच्छे आते हैं। और आइए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और एंजॉय करिए। यहाँ मुझे एक चीज बहुत ज्यादा पसंद आई है, वो है ग्रीनरी। जहाँ देखो वहाँ हर जगह आपको झाड़ दिखेंगे और वो भी बड़े बड़े झाड़ दिखेंगे। और अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेन बहुत अच्छा किया हुआ है यहाँ पर। और ये वाला घर तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अंदर हम नहीं जा सकते हैं तो मैं बाहर से ही जूम इन जूम आउट करके आपको बताऊंगी। और ऐसे वाले घर मैंने सिर्फ मूवीज में देखे हैं, विलेज में हमने कभी विजिट नहीं किया है तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है विलेज का कि ऐसे घर भी रहते हैं या नहीं। वो ज़माने में रहते थे होंगे, ये ज़माने में तो शायद विलेज में भी नहीं होंगे। और ये वाले घर को देख के ही मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। और फिर हमारी नज़र पड़ी इन पर और ये इतने ज़्यादा क्यूट थे, मैंने सिर्फ आवाज़ लगाया और वो झट से हमारे पास आ गए। और बच्चा पार्टी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी ये वाले जोन में ख़ास तौर से। और यहाँ से स्टार्ट होता है बर्ड जोन, और ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। और यहाँ पर जितना भी मैंने एक्सप्लोर किया है बस मेरे मुंह पर एक ही सॉन्ग था, वो था ये हसी वादिया ये खुला आसमां, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है आपको। और आप जब आओगे ना आपको खुद को पता चलेगा। और बर्ड जोन के पास ही आपको प्ले जोन भी देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये वाले प्ले जोन में जितना बच्चा पार्टी एंजॉय कर रही थी हमें बड़े भी उतना ही ज्यादा एंजॉय करते हुए दिखे। और ये वाला जोन मुझे बहुत ज्यादा पसंद इसलिए भी आया क्योंकि परफेक्ट जोन बनाया है जिसने भी बनाया है। बच्चा पार्टी के साथ बड़े भी उतना ही एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर।
और फिर हम आगे हैं इनके पास। बच्चा पट्टी अगर प्ले जोन से बोर हो गई इन केस, तो वो लोग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर भी वो लोग उतना ही एंजॉय कर रहे हैं। और फिर हमारी नज़र पड़ी स्वीट कॉर्न और पॉपकॉर्न पर, और ये वाली शॉप थर्ड शॉप है पूरे ओवरऑल जितना भी हमने एक्सप्लोर किया है। अभी फूड कोर्ट देखना बाकी है, देखते हैं आगे वो कैसा रहता है। और फिर हम एंटर हुए यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोटोशूट्स हो रहे थे। और जाते जाते हमारी नज़र ये वाले आंटी पर पड़ी, और इन्हों इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और इनकी खुशी देख के हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और फिर हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर फ़ोटोशूट्स बहुत होते हैं, और जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है यहाँ पर शाम के टाइम पर पूरे लाइट्स ओपन होते हैं, और यहाँ पर जो फाउंटेन है ना वो भी ओपन होता है। मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग तो नहीं पता है, पर जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है वो है 6 o'clock। और इतना अच्छा स्पॉट हो और फोटोशूट्स के साथ रील ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये क्यूट से बच्चे की रील बनते हुए, और यहाँ पर उसकी फैमिली फुल टू सपोर्ट करते हुए। और फाइनली हमें यहाँ पर फूड कोर्ट दिखा, हमें लगा कि हमें यहाँ पर चाय और कॉफ़ी मिल ही जाएगी, पर वो तो अवेलेबल नहीं था। और यहाँ पर हमें समोसा मिला, और समोसे का भी टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब था, और 60 rupees पर प्लेट था यहाँ पर समोसा। और वहीं पर आपको बोटिंग देखने को मिलेगी, हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि हमें यहाँ पर नहीं करना है। और यहाँ के बोटिंग चार्जेस रहेंगे 30 rupees पर पर्सन, और 30 rupees में आपको एक चक्कर लगाने को देंगे ये लोग। और ये देखिए शिकारा बोट जो कि कश्मीर में रहती है, और हमें ये कश्मीर मेले में भी देखने को मिली थी। और अगर आपको बोटिंग पसंद है तो आइए और एंजॉय करिए, बहुत रीजनेबल प्राइस है 30 rupees वैसे तो। Thank you.
और फिर हम ये वाले जोन में आ गए। यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और ये वाला पपेट शो देखने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर आके मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं एक्चुअल विलेज में ही हूँ और ये जो बने हुए हैं ना वो रियल वाले दिख रहे थे। और यहाँ पर आपको पार्क भी देखने को मिलेगा, पर आप यहाँ पर अंदर नहीं जा सकते हैं, बस बाहर से ही देख सकते हो। और यहाँ पर अंदर जाने का आप सोचे भी ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स है, आपको हर जगह दिखेंगे, पर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिले हमको। और ये हम पहुंच गए एग्जिट गेट की तरफ। एक्चुअली यहाँ पर दो एग्जिट गेट है, एक वहां पर और एक यहाँ पर। हम यहाँ से एग्जिट लेंगे। और ये वाले व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नए व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी टाइम हो रहा है 6:45 और अभी हमें यहाँ पर थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वैसे भी मौसम बहुत अच्छा हो गया है। फैमिली के साथ रहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि फैमिली खुश है तो हम खुश है।